देखिए और जब लोगों के मृतक लोगों को देखे हमको इतनी तकलीफ हुई और वहाँ से जब हम आए हमने रास्ते में भी कहा और श्रद्धे अटल जी को प्रधानमंत्री जी को हमने कहा कि भाई हम उसको लेकिन फिर गए और हमने कहा कि सर मेरे इस्तीफे को दोबारा हमने दिया स्वीकार किया बनाने के लिए हमने बहुत पहले तय किया था हमने 12 में ही देखा और 14 से काम शुरू हुआ अब जिसको भी दिया गया है अब इतना देर क्यों था मजबूती से बनना चाहिए था बन करके और तैयार हो जाता लोगों को कितनी खुशी थी हम कितना पहले जा करके एक एक चीज को देख करके कराए हुए लेकिन जो नहीं हुआ हमको बड़ी तकलीफ है। जो हुआ है अभी कुछ समय पहले एक बार और हुआ था उसी समय हमने कहा ऐसा क्यों हुआ और जबकि हम इसको बनाने के लिए हमने बहुत पहले तय किया था हमने 12 में ही देखा और 14 से काम शुरू हुआ अब जिसको भी दिया गया है अब इतना देर क्यों था और ये गिर गया था तो उस समय भी हमने कहा था एक साल पहले की बात है अब फिर जब दो हो ये फिर गिरा है कल ही हमको पता चला है कि तुरंत हमने विभाग के सब लोगों को कहा कि जाकर के देख लीजिए और तुरंत एक्शन लीजिए ये कोई तरीका नहीं अब तक तो हो जाना चाहिए था जी 8 वर्ष का समय बहुत हो गया है देर हुआ है तो काहे के लिए ऐसा कोई होता है जो कोई बना रहा है इतना देर क्यों कर रहा हूँ लोगों ने यार नीचे लोग कौन उठा रहा है कह दिया उसको तत्काल देखिए और ठीक नहीं बना रहा सिगरेट गिर हाथे में दे दो ना अकेले आ रहा है थोड़ा और मजबूती से बनना चाहिए था बन करके और तैयार हो जाता लोगों को कितनी खुशी थी हम कितना पहले जा करके एक एक चीज को देख करके कराए हुए लेकिन जो नहीं हुआ हमको बड़ी तकलीफ है और अब डिपार्टमेंट अब इस बात को देख लेगा हमारे उप मुख्यमंत्री को भी ये चीज की मालूम जानकारी है ये सब लोग जल्दी से जल्दी जो नहीं करेगा तो अपनी तरफ से जितना भी जल्दी हो सकता उस काम को कराने कार्रवाई होगी सर कार्रवाई होगी सर कार्रवाई होगी सर कार्रवाई होगी कहाँ पर है कल ही तो बोल दिए जैसे ही हमको लोगों आगे कीजिएगा तो मिला वैसे ही तुरंत हमने सबसे बात किया इसलिए इसके लिए चिंता सर रेल मंत्री और उस समय भी कहीं कहीं तो हमने तो बार बार हम कहते थे रिजाइन का हम नहीं करेंगे तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं इस काम को करिए और जब यूपी में यही पर हो गया था बहुत ज़्यादा वेस्ट बंगाल में बहुत बड़े पैमाने पर आप समझ लीजिए 1999 में 1999 में जब मंत्री ही और वो एक्सीडेंट वहाँ हो गया था वहाँ जा करके देखे और जब लोगों के मृतक लोगों को देखे हमको इतनी तकलीफ हुई और वहाँ से जब हम आए हमने रास्ते में भी कहा और श्रद्धे अटल जी को प्रधानमंत्री जी को हमने कहा कि भाई लेकिन फिर गए और हमने कहा कि सर मेरे इस्तीफे को दोबारा हमने दिया स्वीकार किया जाए नहीं तो हमको बहुत तकलीफ है इतनी बड़ी दुर्घटना घटी है हमको अच्छा नहीं लग रहा है और तुरंत चुनाव वगैरह भी होने वाला है तो हमको जाएंगे हमको बड़ा खराब लगेगा इसलिए कृपा करके हमको छोड़ दीजिए तो वो फिर हमको स्वीकार कर दिए और हमने वो रिजाइन किया बाद में तो और भी हुआ फिर इसके बाद में जब हमको फिर दिए तो हमने उसी समय रेलवे के लिए ये तय किया कि सर अगर हमको दोबारा बना रहे हैं बाद में हम आए उसके 1.5 महीना के बाद 1.5 साल के बाद तो जो तय किया गया कि जो जो चीज़ सब रेलवे के बारे में जो हुआ उसको स्वीकार किया गया और वही काम जो प्रारंभ हुआ उसके चलते रेलवे की स्थिति बेहतर हुई और उसके बाद फिर नई सरकार भी आई तो उन लोगों ने भी इस काम को किया तो हुआ है लेकिन अब ये कैसे एक्सीडेंट हो गया है इसको तो देखना चाहिए ना।